मेवात जिले में रविवार को कोई नया केस सामने नहीं आया। 24 घंटे से कोई नया केस सामने नहीं आने से इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। हालांकि 57 में से नलहर मेडिकल कॉलेज आइसोलेशन पार्ट में भर्ती 8 लोगों को पूरी तरह स्वस्थ होने के कारण डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब एक्टिव केसों की संख्या 49 रह गई है। ठीक होने वाले तबलीगी जमात से संबंध रखते हैं। 8 स्वस्थ हुए लोगों को मालव गांव के एकांतवास में 14 दिन तक एहतियात के तौर पर रखा गया है। नलहर मेडिकल कॉलेज में जिन पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा था, पॉजिटिव महिलाओं की संख्या अब 4 हो चुकी है। जिन लोगों को छुट्टी मिली है उनमें केरल, साउथ अफ्रीका, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु इत्यादि के रहने बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नुहू मेवात जिले में करीब 2183 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है, जिनमें से 380 लोगों का सर्विलांस पीरियड पूरा हो चुका है। अब सर्विलांस पर 1803 लोग रखे गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 1293 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए पीजीआई रोहतक व गुरुग्राम के एक निजी लैब में भेजे थे, जिनमें से 1140 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा 57 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। जिला नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि जिले में 49 केस एक्टिव हैं, क्योंकि 8 मरीजों को गुरुवार को नलहर मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई। अभी भी करीब 96 केसों की रिपोर्ट आना बकाया है। उन्होंने बताया कि नलहर मेडिकल कॉलेज तथा अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में कुल मिलाकर 49 लोग आइसोलेशन पार्ट में इस समय भर्ती हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने यह भी कहा कि रोजाना स्वास्थ्य विभाग की टीमें सर्वे कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सैंपल लेने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि समय रहते कोरोना पॉजिटिव की पहचान होने के उपरांत उसका व उसके कॉन्टैक्ट में आए लोगों का इलाज किया जा सके। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। केवल 92 सैंपल लिए थे 3-4 गाँव से। टोटल मिला के हमारे अब तक 1293 सैंपल हो चुके हैं। जितने हमने सैंपल परसों भेजे थे 62, उसमें से 58 की रिपोर्ट आ चुकी है, वो नेगेटिव है। 4 की और प्लस 92 की बाकी है, 96 रिपोर्ट हमारी आने बाकी है, जो आज शाम तक या कल सुबह तक आ रही है। पेशेंट हमारे टोटल जो कोविड-19 के थे वो 57 हो चुके हैं, 57, उसमें से 8 हमारे ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए, जो मालव में हैं। वो सारे के सारे जमाती थे जो पहले केस पॉजिटिव आए थे 8 के 8, और दूसरे राज्यों से हैं, तो उनको हमने मालव में रखा हुआ है। अभी भी वो क्वारंटाइन में रहेंगे, जिस दिन वो डिस्चार्ज हुए उसके बाद भी उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होता है। नया कोई मरीज नहीं आया।